होता है उसको बैन कर दिया गया है तो उसको रिलीज क्यों नहीं करते। और अभी चार दिन जब मैंने पोस्ट डाली थी उससे चार दिन पहले भाई जितेंद्र मेघवाल हत्याकांड हुआ था जिनको चाकू से गोद कर मार दिया गया था, तो ये क्या उत्पीड़न नहीं है। तो मैंने ऐसी पोस्ट डाली थी तो मेरी पोस्ट पर जब भी मैं कोई पोस्ट डालता हूँ तो ये जो विपक्षी वाले मेरे को उकसाने के लिए जय श्री राम जय श्री कृष्ण ऐसे वगैरह डालते पोस्ट वगैरह, तो मैंने उनको काफ़ी हमारी बहस बंदी हुई है तो फिर लास्ट में उनसे परेशान होकर मैंने लिख दिया कि बाद में जाइए श्री राम श्री कृष्ण। उसके बाद मैंने तुरंत ही उसके ऊपर मैंने माफ़ी मांग ली थी कि किसी को धार्मिक भावना को ठेस ना पहुँचे, इसलिए मैं क्षमा याचना चाहता हूँ जिस भी किसी को पहुँचे, किसी धार्मिक मामले में मैं हस्तक्षेप नहीं करना चाहता हूँ। तो इस मामले को उन्होंने इतना संज्ञान बना दिया कि बहुत ही ऐसे गहराईता के साथ कि षड्यंत्र रचकर व्हाट्सएप ग्रुपों में बालाजी ग्रुप में ऐसे उन्होंने कई लोगों के समूह में मिलकर उन लोगों ने ऐसा इस मानवीय गृहप्राध को उन्होंने षड्यंत्र के रूप में दे दिया कि जैसे पता नहीं मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र होता है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन एक धार्मिक स्वतंत्रता या फिर उसकी निजी स्वतंत्रता अलग अलग होती है, वो कोई किसी धर्म को माने या ना माने। मैं नास्तिक विचारों वाला आदमी हूँ, बाबा साहब का सम्मान करता हूँ, और ये लोग विधायक साहब की जब मैं कोई पोस्ट शेयर करता हूँ उसके ऊपर भी मेरे को मारने की कई बार धमकी दे चुके हैं। इससे पहले मेरा छोटा भाई है, उसकी भी हत्या हो चुकी है इसी गांव में, वो थोड़ा उसको डेड बॉडी मिली थी, तो बहुत ही मेरे साथ मैं पहले से ही इस चीज़ का शोषण हो चुका हूँ। तो और अब जैसे मैंने ये पोस्ट की थी, मेरे को रोज़ फोन पे फोन कर करके, मेरे पास उनकी फोन रिकॉर्डिंग भी है, उनके जो व्हाट्सएप ग्रुप में जो उनकी बातें होती चैटिंग होती थी वो सारे मेरे पास मौजूद है। तो वो लोग मेरे को षड्यंत्र के तहत गांव में जैसे कि भाई ये बंदा किस लोग भक्ति की मानेगा, उनको बहला फुसला के किसी तरीके से बस बंदे को ले आओ और उसका इसका मतलब ऐसा जुलूस निकालेंगे, इसको पूरे गांव में पेट पलानिया जाना पड़ेगा मंदिर तक, और इसको बाल काटे जाएंगे, इसके साथ ऐसा ऐसा वो किया जाएगा कि गाँव के सैकड़ों युवाओं ने मिलकर आपको नाक रगड़वाई मंदिर में। जी, गाँव के सैकड़ों युवाओं ने, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो इसमें बहुत ही इन्वॉल्व है इसमें। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा जब दलितों के साथ नित्य नए नए मामले में वीडियो वायरल हुआ था, उसमें मामला दर्ज कर लिया, क्या मामला था पूरा? हाँ, ये राजेश कुमार मेघवाल ने FIR दर्ज करवाई है कि कोई मोबाइल पर कन्वर्ट डालने की बात को लेके, और वहाँ के कुछ लोगों ने मेरे को मोबाइल से धमकी दी और मुझे मंदिर में बुलाया, मेरे से माफी मंगवाई और मुझे जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया। इस संबंध में FIR दर्ज कर ली गई है और श्रीमान शिव साहब द्वारा अनुसंधान किया जाए। तो कितने लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ? नाम जब तो 6-7 हैं भाई।